और मदन मोहन मालवीय जी, उनकी बरसी थी और उनको श्रद्धांजलि दी जानी थी। तो वहाँ पे प्रधानमंत्री जी खुद आए थे, उन्होंने श्रद्धांजलि दी, हमने भी श्रद्धांजलि दी। उसके बाद जब वो वाजपेयी जी के भाषणों की एक किताब का विमोचन कर रहे थे, तो हमने सोचा कि यही मौका है कि प्रधानमंत्री के कानों में किसानों की आवाज को उनके कानों तक पहुंचाया जाए। तो संजय सिंह जी और मैं वहां पे थे और हम पोस्टर लेके गए थे, खेती कानून वापस लो, MSP की गारंटी दो, पूंजीपतियों के हाथ में किसान को बेचना बंद करो, अन्नदाता को आतंकवादी ना कहो। तो हमने नारे लगाने शुरू किए, हमने चिल्लाना शुरू किया ताकि सरकार के कानों तक किसानों की आवाज पहुंचे, उनकी आंखें उन नारों को देख ले, उन पोस्टर को। सो आज सरकार के कान और आंख जो बंद हैं, उनको हमने खोलने की छोटी सी कोशिश की है। और प्रधानमंत्री जो कि बाद में वहां वीडियो वगैरह देखने वाले थे, उनका उन्होंने छोड़ दिया वो प्रोग्राम बीच में और एकदम से निकल गए। मतलब हम भी MP हैं, चुने हुए हैं, वो भी MP हैं, चुने हुए हैं, तो कम से कम बात तो सुन लेते। लेकिन इतनी अकड़ और इतना अहंकार कि सुनी हुई बात को भी अनसुनी कर गए। इससे ज्यादा नजदीक नहीं प्रधानमंत्री के जा सकते थे हम। तो जो मैं ये भी कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी, किसान ठंड में ठिठुर रहा है, अन्नदाता मर रहा है बॉर्डर पर, आप तीनों खेती कानून वापस लो। इसी सेंट्रल हॉल में आपने रात को 12 बजे सेंट्रल हॉल खुलवाकर ज्वाइंट सेशन में GST का कानून लागू किया था। अब इन कानूनों को रद्द करने के लिए एक दिन का सेशन बुला लो। लेकिन आप लोग कहते हो कि एक दिन का सेशन बुलाना है तो कोरोना बहुत वायलेंट है और बंगाल में हजारों की भीड़ इकट्ठी करके रैलियां कर रही है BJP, तो कोरोना बहुत साइलेंट है, तो नियत में खोट है। तो लाखों किसानों की आवाज को हमने आज प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंचाया, हमें सुकून है। मैं संगरूर से चुनकर आता हूं, संगरूर डिस्ट्रिक्ट पूरे पंजाब में सबसे ज्यादा धान और गेहूं की पैदावार करता है, नंबर 1 पे आता है। मुझे किसानों ने, लाखों की गिनती में किसानों ने वोट देके मुझे वहां यहां भेजा है। अब और मिलने का कोई तरीका ही नहीं है प्रधानमंत्री से, संसद वो चलाते नहीं है, कहां बोले फिर हम, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो नहीं करते, 1 वे बोलते हैं प्रधानमंत्री, या तो रेडियो पर बोलते हैं 1 वे, या फिर किसानों के साथ बात करते हैं वेब के जरिए 1 वे। किसानों को मिलने के लिए गुजरात जाते हैं, अपने मनपसंद किसानों को बुला के वहां उसको बोलते हैं ये किसानों के साथ प्रधानमंत्री आज मिले। अजी आपके घर के 20 किलोमीटर के रेडियस में लाखों किसान बैठे हैं, उनसे मिल लो, नहीं उनसे नहीं मिला जाएगा। और नियत में खोट देखो, एक तरफ तो बुलाते हैं बातचीत के लिए, दूसरी तरफ तारीफ कर देते हैं। आज ही तारीफ की है कि बिल बहुत अच्छे हैं और खुद ही कह रहे हैं अमेंडमेंट कर देते हैं। अमेंडमेंट का मतलब है खामियां मान रहे हैं, कमियां मान रहे हैं, लेकिन साथ में बहुत तारीफ कर देते हैं। तो आज सेंट्रल हॉल, वही सेंट्रल हॉल है जहां भगत सिंह बुगटेश्वर दत्त 1929 को अंग्रेजों की बहरी सरकार के कान खोलने के लिए छोटा सा बम लेके आए थे। वो मारने के लिए नहीं था, सिर्फ आवाज करने के लिए था। तो हम उन्हीं के वारिस हैं, हम तो उनके पांव के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन रास्ता तो हमें उन्होंने दिखाया है। तो हमने उसी सेंट्रल हॉल में आज शब्दों के, जुबान के बमों के जरिए सरकार के कानों तक का आवाज पहुंचाई है, सुकून मिल रहा है। और आने वाले दिनों में भी प्रधानमंत्री जी अगर ऐसे कार्यक्रम में आएंगे तो हम भी जाएंगे। आवाज बचाने का तरीका यही है, और तो है नहीं कोई।
प्रधानमंत्री ना किसानों को मिलते हैं, ना किसान जथेबंदियों को, नेताओं को मिलते हैं, ना विपक्ष को मिलते हैं। तो इसलिए आज संजय जी और जो हमारे सांसद हैं राज्यसभा के, उन्होंने, और एक और बात आप देखिएगा उस वीडियो में, वहां पे गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी भी मौजूद थे, कांग्रेस थी वहां पे, बिल्कुल नहीं बोले, एक नारा हमारे साथ ही लगा देते कि हाँ चलो ठीक मांग है ना। कल राष्ट्रपति को मिलके आए हैं, पंजाब में पता नहीं क्या क्या ड्रामे कर रहे हैं, कुछ यहां जंतर मंत्र पर बैठे हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री आया है तो मौका था कि वो भी साथ दे देते, लेकिन नहीं, क्योंकि सेटिंग है ना कि बस विरोध करना है नाम का। तो इसलिए कांग्रेस को आज जवाब देना पड़ेगा कि आज क्यों नहीं वो बोले वहां पे। तो आपका कोई अगर सवाल हो, क्या वो सही समय था इस तरह विरोध करने का? ये वाला बिल्कुल सही है, और कहीं मिलते नहीं है प्रधानमंत्री, अब जाएं तो जाएं कहां, ठीक है ना, सेंट्रल हॉल में आए थे, लेकिन हमने श्रद्धांजलि समारोह खराब नहीं किया, हमने खुद भी श्रद्धांजलि पहले दी मदन मोहन मालवीय जी को और अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जब वो समाप्त हुआ, किताब का विमोचन के समय हमने अपना आवाज पहुंचानी थी तो पहुंचा दी हमने, लेकिन इमीजिएटली प्रधानमंत्री निकल गए, सुन तो लेते, हम कोई आंदोलनकारी वहां थोड़ी है, लेकिन हम उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम संघर्ष के साथ हैं, इसलिए हम इलेक्टेड हैं, हमें बुलाया गया है, नेता सभी बुलाए थे सभी पार्टियों के, तो हम गए और हमने आवाज़ उठाई, हमें तो ये तरीका सही लगता है।